अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का जो टॉपिक है, खुदारा इस वीडियो को इग्नोर ना करें। तो ऐसा क्या है इस वीडियो में जो इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो चलिए हम सब भी इग्नोर नहीं करते हैं इस वीडियो को और जितना हो सके इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत अहम बातें बताई जाएंगी तो जो शायद आज से पहले हम सबको नहीं मालूम होंगे। मकतब टीवी की जानिब से आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। या अल्लाह, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 6 किस्म के लोगों से कभी झगड़ा ना करना। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कौन सा इंसान जल्दी मर जाता है और कौन देर से मरता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस फरमान की कि 6 किस्म के लोगों से कभी झगड़ा नहीं करना। यानी कि 6 किस्म के ऐसे लोग हैं कि जिनसे झगड़ा करना ठीक नहीं है। नंबर 1, सरदार। क्योंकि दोस्तों, जो कौम का सरदार होता है अगर उसके साथ आदमी झगड़ा करेगा तो खुद ही अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामना करेगा, क्योंकि लोग अपने सरदार की ही मानेंगे। नंबर 2, कौम के फकीर से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यानी कि जो आलम है, अल्लाह ताला ने उसे इल्म की बहुत सूझबूझ अता फरमाई है, उसके साथ भी झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो तो बच्चा है लेकिन तुम तो समझदार हो और समझदारी से काम लो। नंबर 4, औरतों के साथ भी कभी झगड़ा मत करना, चाहे वो आपकी औरत हो या किसी दूसरे की। नंबर 5, कमीने आदमी से भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमीना आदमी तो खुद ही कमीना है और उससे झगड़ा करके आप भी कमीना ना बनो। नंबर 5, बदजुबान आदमी से भी झगड़ा ना करना। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि गधा इतना बेवकूफ क्यों होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कौन आदमी जल्दी मर जाता है और कौन देर से। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, अल्लाह ने इस गधे को इतना बेवकूफ क्यों बनाया है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने किसी खलकत पर जुल्म नहीं किया, बस ये मखलूकात ही हैं जो अपने आप पर जुल्म करती हैं। तूफानी नूह से पहले गधा बहुत चालाक हुआ करता था। जब तूफानी नूह आया तो अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के नर और मादा को अपनी कश्ती में पनाह दी और उनकी गिजा को अपनी कश्ती में रखा। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब जानवरों के लिए एक मुकर्रर हद तक गिजा रोज के लिए रखी थी ताकि जब तक ये तूफान चले कोई जानवर भूखा ना मर सके। लेकिन अफसोस के गधा अपनी चालाकी की वजह से दूसरे जानवरों की भी खुराक चोरी चोरी खा लिया करता था, और जब सुबह हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछते थे कि ये गिजा किसने खाई तो गधा झूठ बोलता था और चोरी करता था। बस अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से ये अल्फाज अल्लाह के दरबार में पहुंच गए, या अल्लाह, जो भी कोई ये गिजा चोरी करके खाता है तो उसे इतना बेवकूफ बना कि वो कभी भी चोरी ना कर सके। और तब से ये गधा बेवकूफों की तरह जीता है। दोस्तों, अब हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वीडियो को देखने से पहले ये बात नहीं मुझे, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कौन आदमी जल्दी मरता है और कौन आदमी देर से। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, कौन सा इंसान जल्दी मरता है और कौन सा इंसान देर से मरता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जो इंसान अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपनी तरफ मायल करता है और बीमारियों परेशानियों में घिरकर मर जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी निगाहों को झुकाकर चलता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रजा पर राजी रहकर तकलीफ पर सब्र और नेमतों पर शुक्र अदा करता है, तो वो इंसान अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं
कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफा लाता है, वो कैसे? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, याद रखना कि बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसान की पहचान का जरिया है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नजर नहीं आते, लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और उसके रिश्तेदारों के चेहरों से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि जमाना उसे पहचान ले। दोस्तों इसके अलावा हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक और फरमान बताते हैं, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तीन लोग हमेशा धोखा खाते हैं, तो वो तीन लोग कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे कि आपकी नजर मुबारक एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसकी हालत ठीक नहीं थी, उसकी हालत नरम और खस्ता थी और वो शख्स रो रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस शख्स को देखा तो करीब गए और फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, बताओ क्या हुआ है? उस शख्स ने जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनी तो बहुत ही एहतराम से हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं एक इंसान हूँ कि मुझसे जब भी किसी ने जो कुछ भी मांगा मैंने उसे दिया, मैंने किसी को किसी चीज से इनकार नहीं किया, और आज एक ऐसा दिन आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि मुझे बहुत मदद की जरूरत थी लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मैं तुम्हें तीन बातें बताता हूँ, अगर तुम इन तीन बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सुकून रहेगा और तुम कामयाबी की तरफ जाओगे, और अगर तुम इन तीन बातों पर अमल नहीं करते हो तो तुम्हारी हालत ऐसी की ऐसी ही रहेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, आप मुझे बता दीजिए कि वो तीन आदतें कौन सी हैं? ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अगर इन तीन आदतों में से एक भी आदत तुम में है तो फौरन उसे अपने से दूर कर दो। नंबर एक, अगर तुम ऐसे इंसान बनते हो कि तुम मामला फहम नहीं हो, यानी अगर तुम्हें कोई बात बताई जाए तो तुम फौरन उस पर भरोसा करते हो, तुम हर अजनबी पर भरोसा करते हो, तो याद रखना ऐसा शख्स हमेशा धोखा खाता है। नंबर दो, अगर तुम्हें कोई बात कहे तो तुम फौरन उस पर शक कर बैठते हो, यानी तुम किसी की बात पर भरोसा ही नहीं करते और हर किसी को शक की निगाह से देखते हो, तो याद रखना ये भी अच्छी अलामत नहीं है। और तीसरा, ये वो अलामत है जो जमाने में हर इंसान में पाई जाती है, वो अलामत है लालच। लालच में आकर इंसान वो कुछ कर जाता है जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐ शख्स, याद रखना अल्लाह ने इंसान के रिज्क को उस पर फर्ज कर दिया है और वो रिज्क उसे तलाश करती है जब तक कि उसे ढूंढ ना ले। और इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल भी है कि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। बेशक दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये अकवाल और उनकी बताई गई ये बातें हमारे लिए मशाले राह है। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो कुछ ये था मेरा रिएक्शन, और अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो इस वीडियो में ज़्यादातर ये बताई जा रही है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से जो है जीना चाहिए और हमारी लाइफ में कैसे कैसे इंसानों के साथ जो है हमारा ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, और कैसे हम लोग किस इंसान पर जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यह बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में, नॉलेज वाली वीडियो थी जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है। तो कुछ अच्छा टॉपिक था वीडियो का। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में पेश करिएगा हमारे साथ। और ऐसे ही नए वीडियो रिएक्शंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
बाय बाय।